लोकसभा चुनाव के दौरान विरासत टैक्स जैसे विवादित बयान को लेकर पूर्व अध्यक्ष श्याम पित्रोदा ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। श्याम पित्रोदा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जाती है, ऐसे में पेपर बैलेट सिस्टम से चुनाव करना ही सही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बैलेट की गिनती से हार और जीत का फैसला भी सही होता है। इसके साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि मैं 60 साल से ज्यादा समय तक इलेक्ट्रॉनिक टेलीकॉम आईटी सॉफ्टवेयर जैसे सेक्टर में काम किया है। इस दौरान मैंने ईवीएम की व्यवस्था का पूरा अध्ययन किया है और मेरा मानना है कि इनसे छेड़छाड़ करना संभव है। ऐसे में सबसे अच्छा तरीका ये है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो और गिनती से ही हार और जीत का फैसला किया जाए। श्याम पित्रोदा ने आगे कहा कि भारत में हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के दौरान वीवीपीएटी मतदाता सूची डाले गए वोट, गिने गए वोट, अंतर विजेता हारने वाले आदि के बारे में पैदा हुए भ्रम पर मतदाताओं और चुनाव आयोग के बीच विश्वास कायम करने के लिए सावधानी पूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है। बता दें कि फिलहाल भारत में ईवीएम को लेकर सवाल मचा है। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने ईवीएम को लेकर ऐसा बयान दिया है कि भारत में सियासी हलचल बहुत तेज हो गई है। ऐसे में श्याम पित्रोदा ने कहा कि उनके तथ्य स्पष्ट है, ऐसे में यह सिर्फ ईवीएम मशीन ही नहीं है बल्कि वीवीपैट और उससे जुड़ी प्रतिक्रियाओं और लॉजिस्टिक के साथ एक जटिल प्रणाली है जिसमें चुनिंदा छेड़छाड़ की गुंजाइश है।